शिकंजे में कालीचरण महाराज, गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम, गिरफ्तारी पर मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ आमने सामने, महात्मा गांधी पर दिया था आपत्तिजनक बयान। कालीचरण की गिरफ्तारी के साथ साथ सियासी गलियारों में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरीके से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की है वो मर्यादाओं के खिलाफ है, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार को इंस्टेंट प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के, यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं, उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। वहीं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा ये बताएं कि वो महात्मा गांधी को गाली देने वाले से खुश हैं या नहीं। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई, और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। चार दिन बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए कालीचरण महाराज। रायपुर के एक होटल में छत्तीसगढ़ पुलिस ने एमपी पुलिस को बताए बिना कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर में धर्म संसद के दौरान कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब देखना यह है कि कालीचरण महाराज की काली जुबान के लिए कब तक सलाखों के पीछे उन्हें रहना पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।